गलत बात है, कल भी एक लड़की का ही फोन लिया हुआ था, जैसे फोन क्लास में, ऐसा कौन सा तुम्हारा बिजनेस चलता है? अच्छा देखो, जैसे कॉलेज से मैसेज आना या भाई घर से फोन आना, तुम इतना तो मानते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी भी जीरो बराबर ही है ना? तुम लोग अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो कि लोग तुम्हें बड़ा सर्च कर रहे हैं और तुम्हारे जो है अभियान निकाले जा रहे हैं। तुम अभी फिलहाल, तुम्हारी आइडेंटिटी जीरो बराबर है, इसको जितनी जल्दी समझ लोगे उतना फ़ायदे में रहोगे बेटा। ये तुम्हारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, और अगर तुम्हें लगता है कि सभी ऐसा करते हैं, ठीक है, तुम्हारी पीढ़ी थोड़ा सा अलग है, तुम लोग ज़रूर, तुम्हें व्हाट्सएप चलाने हैं, इंस्टा चलाने हैं, वो तुम्हारी ज़रूरत है खाने की तरह, लेकिन उसका टाइम, एक टाइम सेट कर लो उसका। क्लास के बीच में तुम फ़ोन देख रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होता है और ये कम पकड़े जाते हैं और तुम ज़्यादा पकड़ी जा रही हो? ये बहुत गलत बात है बेटा। फिर पकड़ते नहीं है, ये भी चलाते रहते हैं इसके टाइम पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर बेटा तुम ही लगोगे, जिनके फोन नहीं आते वही लगेगा, जिनके ज्यादा फोन आएंगे फिर गड़बड़ में होगी बेटा बात। और लड़कियों, तुम इस बात को समझ लो, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, इनके तो फिर भी 2-4 साल 6 साल बढ़ जाएंगे, इनकी तब तक शादी नहीं होगी जब तक ये नहीं लगेंगे, पर तुम लोगों को तो अब ये तुम्हें पता नहीं ना, शादी के बाद ज़िंदगी जो है ना वो जहन्नुम बन जाएगी अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये बातें सिर्फ कहने भर की नहीं है बेटा, ये बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। 12वीं के बाद ना, जब नए नए बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, कुछ भी नहीं है, दुनिया भयावह काली है, और उसमें ना तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने जो काबिलियत है ना ये सस्टेन करवाएगी। और लड़कियों को तो वैसे ही बेटा दूसरा ऑप्शन है नहीं, एक बार जहाँ तुम्हारी शादी हो गई तुम्हें ज़िंदगी भर वहाँ निभाना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, अदरवाइज़ वहीं बेइज्जती भी होगी और वहीं रहना भी पड़ेगा। फिर तुम्हें ये बात याद आएगी, काश उस टाइम पे हमने मान लिया होता या मैम की बात सुन ली होती। ये इंस्टाग्राम के जितने दोस्त हैं ना, ये ज़िंदगी में कभी मिलने नहीं है, ना ये कभी काम आने, ये सच बात है। और जितने तुम्हारे कोई तुम्हारा फॉलोवर हो, कोई तुम्हें इंस्टा पे, तुम्हें क्या फॉलो ही करते हैं इंस्टा पे, हाँ हाँ, तो वो किसी काम नहीं आने। और ये मुझे कल भी शिकायत कर रहा था कि लड़कियां जो हैं फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो बेटा थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, जैसे समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अब एक एक को पकड़ा तो नहीं जा सकता, और क्यों हम पकड़ें? अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो पेरेंट्स और टीचर्स बस ये कर सकते हैं कि एज के बाद, अब तुम लोगों की वो एज थोड़ी ना कि तुम पे हर टाइम वॉच रखा जाए, पेरेंट्स भी नहीं रख सकते। अब इस एज में आते आते सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्म, कि मुझे नहीं बिगड़ना, मुझे गलत रास्ता नहीं पकड़ना। तुम इस टाइम पे अगर बिगड़ना चाहोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तक नहीं रोक पाएंगे, हम तो हैं ही क्या, हम तो यहाँ एक एक घंटे की क्लास लेते हैं चले जाते हैं, मुझे नहीं पता तुम में से कौन क्या कर रहा है। पर मेरा फिर भी ये सजेशन है कि बेटा ज़िंदगी बहुत छोटी है, और ये जो टाइम है ना करियर बनाने का, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही कम। जो लड़कियां अब 20 से 25, 27 के बीच में हैं, इनके पेरेंट्स अगर वो 27 की हो गए तो पेरेंट्स बहुत कम टाइम देंगे। जनरली पेरेंट्स 23-24 के बाद शादी ब्याह की बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लड़कियां लाइबिलिटी हैं, भाई हमारे सिर पे एक जिम्मेदारी, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, कुछ काम नहीं करेंगी, तो क्या करेंगे, उनको घर में मूरत की तरह थोड़ी ना सजा के बैठाएंगे, करेंगे उनकी शादी? मैं इस मामले में बिल्कुल ये नहीं मानती कि लड़कियों को 30 साल तक बैठाए रखो। क्यों बैठाए रखें? पढ़ें लिखें, काबिल बने, बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट बने, उसके बाद वो कोई डिसीजन अपना खुद से लें, उन्हें शादी करनी है नहीं करनी, किससे करनी, उनको आज़ादी। लेकिन ये तरीका कि भैया 20 साल की उम्र है, 19 साल की, अभी स्कूल से निकले, व्हाट्सएप चलाए जा रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं, तो बेटा इसका फिर लॉन्ग रन में तुम क्या सोचती हो, क्या निकलेगा? ये फाइनली एक एज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स शादी कर देंगे, और उस शादी के बाद चाहे कुछ भी करती हो तुम अभी घर पे, तुम्हें झाड़ू भी मारनी पड़ेगी, पोछा भी लगाना पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, तह भी करने पड़ेंगे, प्रेस भी करेंगे, पूरा दिन तुम्हारा जाले उतारने में और पोछे मारने में चला जाएगा। तो उससे तुम्हें बचना है। काम कोई बुरा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि काम बुरा है, लेकिन तुम उसके लिए नहीं बने हो कि तुम सिर्फ पूरी जिंदगी पोछे मारते रहो, और तुम्हें लगता है नहीं हम उसमें खुश रहेंगे, तो बेटा कर लो फिर मैसेज, फिर कौन रोक सकता है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपनी लाइफ सेट कर लो, ये फालतू के काम कहीं काम नहीं आने बेटा, है ना? और अब मुझे समझ नहीं आता लड़कियां जो इनको टोकना पड़ रहा है, नहीं तो हमारे टाइम पे मुझे याद है लड़कियों को तो कोई कहता ही नहीं था, लड़कियों की तरफ देखना ही नहीं पड़ता था, लड़कों को तो टोकना पड़ता था, पर आजकल लड़के थोड़े शरीफ हो गए एक्चुअली। इनको ना इनको नहीं शरीफ नहीं इसको बोलना चाहिए, इनको बुद्धि आ गई कि भैया ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये सच बात है, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ये मैच्योर हो गए,
एज बढ़ने के साथ इनका विजडम बढ़ गया, लेकिन तुम लोग नहीं बढ़ पा रही हो। तुम में से कुछ, कई तो लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जिसका रोज ये फोन पकड़ने पड़ते हैं। तो ये गलत है बेटा, ये फोन एक दो बार पकड़ने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तक ही हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। सबके लिए नहीं है, जो लड़कियां अच्छी हैं पढ़ रही हैं बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना, लेकिन जो पकड़ी जा रही हैं रोज रोज उनको अलर्ट होना है बेटा, ठीक है। और ये दिन बहुत जल्दी भागेंगे, ये अपने पेरेंट्स के घर जो ऐशो आराम है ना तुम्हारे बीच में, जो मैरिड है इनसे पूछ लो, ये ऐशो आराम ज़्यादा दिन चलना नहीं है। पेरेंट्स कुछ भी कर लेंगे लेकिन ससुराल में जैसा माहौल होगा तुम्हें वैसा ही ढलना पड़ेगा। पेरेंट्स की चलनी नहीं है, जिनके घर में पेरेंट्स की चलेगी उनके घर बसने नहीं है। तो ये मान के चलो कि फिर ससुराल के अकॉर्डिंग ढलने के लिए अपने आप को सबल बना लो। चलो अब ये ऐसा फोन दोबारा ना आए किसी का, और लगा रखा है स्टारबक्स का। चलो